शादी के बाद सिर्फ एक बार दिखा कियारा के मांग में सिंदूर, आलिया के मांग से भी गायब रहता है एक चुटकी सिंदूर, कैटरीना कैफ के भी मांग में नहीं दिखता सिंदूर, तो मांग में सिंदूर न होने की वजह से आथिया सेट्टी होती है बार बार ट्रोलिंग का शिकार। इन सब से हटकर लोगों का दिल जीत ले गया है परिणीति का संस्कारी सिंदूर लुक, इसलिए तो लोग दे रहे हैं राघव चड्ढा की वाइफ परिणीति से संस्कार सीखने की सलाह, सिर्फ वजह है एक चुटकी सिंदूर। जी हाँ, हाल ही में 24 सितंबर को शादी के बंधन में बंधी परिणीति चोपड़ा मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। परिणीति पिछले दिनों ही दिल्ली से लौटी थी और शादी के बाद पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी थी। उस वक्त परिणीति ब्लैक आउटफिट में थी, अब परिणीति डेनिम और स्वेट शर्ट में दिखी है। न्यूली मैरिड परिणीति के अंदाज ने सबका दिल जीत लिया है। दरअसल लोग परिणीति के इस लुक पर इसलिए भी फिदा दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिंदूर से अपनी मांग को पूरी तरीके से भर रखा है। हालांकि कुछ लोग खिंचाई भी कर रहे हैं परिणीति के इस वीडियो पर, लोगों ने खूब सारे कमेंट भी किए हैं। एक ने कहा इनका सिंदूर हर बार ये दिल जीत लेती है, वहीं कुछ ने सिंदूर देखकर उन्हें बिहारी आंटी भी कह दिया है। बीती रात परिणीति की शादी की हल्दी सेरेमनी की कई खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस लाल आउटफिट में काफी सुंदर दिख रही थी। पिछले दिनों परिणीति और राघव की शादी की कई तस्वीरों और वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें परिवार और करीबी लोगों की ढेर सारी मस्ती भी साथ दिखी है। वहीं परिणीति चोपड़ा की वर्क फ्रेंड की बात करें तो परिणीति चोपड़ा की फिल्म मिशन रानीगंज हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म में वो अक्षय कुमार की पत्नी की भूमिका में है। ये फिल्म मिशन रानीगंज वेस्ट बंगाल के बहादुर माइनिंग इंजीनियर जसवंत गिल की एक सच्ची कहानी है, जो साल 1989 में कोयले की खदान में फंसे माइनिंग मजदूरों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए थे। फिल्म इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक काम कर रही है। तो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के शादी के बाद इस लुक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।